आज मैं ले आया हूं आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आप एक ही गेम खेल करके ₹160 तक जीत सकते हो। और यहां पर इस गेम में आप फ्री भी खेल सकते हो, पैसे देकर के भी खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो इस गेम से। चेस जिन लोगों को खासकर पसंद है, जो चेस अर्निंग एप्लीकेशन जानना चाहते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही धांसू, बहुत ही शानदार होने वाली है। यहां पर जेन्युइन प्लेयर्स आपको मिलते हैं, जेन्युइन गेम्स आप प्ले कर सकते हो, अच्छे नंबर ऑफ प्लेयर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो एक अच्छा खासा एप्लीकेशन, अच्छा प्लेटफॉर्म है। और यहां पर मैं आपको पूरा गेम का स्टेप बाय स्टेप आपको डाउनलोड करके कैसे आपको गेम खेलना है खेल करके भी बताऊंगा। अगर आप कुछ ट्रिक्स जानना चाहते हैं, स्ट्रेटजी समझना चाहते हैं, तो चेस की आप इस एप्लीकेशन से, इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं 57 गेम्स। तो गाइस एप्लीकेशन के नाम के बारे में भी अभी जस्ट बात करेंगे, पहले एक बार हम गेम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने प्यादे को आगे बढ़ा दिया है, बीच वाला जो प्यादा, ये जो हमारे वजीर के सामने वाला प्यादा है, इसको इसने आगे बढ़ाया। तो देखिए हम भी कुछ स्ट्रेटजी वहाँ पर इसी तरीके की अपनाते हैं। चेस बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है, आप सीधे स्किप करके आगे मत बढ़ जाइएगा, क्योंकि वीडियो में जो ऐप का नाम है वो अभी थोड़ी देर के अंदर ही बताने वाला हूँ आपको। लेकिन पहले आप एक बार ट्रिक्स को भी समझ लीजिए, क्योंकि आप गेम खेलेंगे तो खेल करके पहले ही गेम में आप हार मत जाइए, कुछ स्ट्रेटजीज को भी समझिए। देखिए एक जो खास स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो है, आप प्यादों को जब आगे बढ़ाएं तो जिगजैग कंडीशन में आगे बढ़ाएं, जिगजैग करके। तो अभी थोड़ी देर में गेम में सिचुएशन बनने वाली है। तो देखिए जैसे आप देख सकते हैं अपोनेंट ने भी अपने प्यादों को उसी तरीके से बढ़ाया है, एक उसका बीच वाला प्यादा आगे है, बाकी के प्यादे उसके पीछे हैं। तो इस तरीके का आपको बनाना होता है। घोड़ों को आप आगे लाइए, घोड़ों को आगे लाने से क्या होता है कि आप दूर तक की एक घोड़े की चाल भी किसी को आसानी से समझ में नहीं आती, और दूर तक इससे मार सकते हो आप, उछल करके भी जंप करके भी जा सकता है। तो देखिए अब इसमें इस गेम में होता है क्या, एक्चुअली इस गेम का सिस्टम भी आप थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर आपको एक अलग टाइम मिलता है और ओपोनेंट को एक अलग टाइम मिलता है। तो ओपोनेंट का जो टाइम है वो कितना टाइम लेता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका टाइम पहले खत्म हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं कोई चेस का बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ गाइस, मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ यहाँ पर। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा टाइम जो है वो 8:58 रह गया है, उसका टाइम अभी 9:39 है। तो ओपोनेंट ने बहुत कम टाइम लिया अपने मूव्स को चलने में, मैं यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, जिसकी वजह से गेम में मैं थोड़ा सा पिछड़ रहा हूँ। लेकिन कोशिश करते गेम में जीतने की। देखिए गाइस उसने मेरे प्यादे को मार दिया है, देखिए, लेकिन अब मैंने भी उसके एक प्यादे को मैं मार सकता हूं और मैंने मार दिया है। अब देखते हैं गेम में क्या होता है। बड़ा ही केयरफुली समझ करके खेलने वाला गेम है गाइस ये, और देखते हैं अपोनेंट क्या चाल चलता है यहाँ पर, उसकी चाल के हिसाब से मैं अपना अगला कदम जो है डिसाइड करेंगे। इसने इधर साइड से दूसरी साइड से जो है एक प्यादे को आगे बढ़ाया है। अब देखिए मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ किसी गोटी पर, समझ में आ जाता है कि ये गोटी कहाँ का जा सकती है। देखिए ऊँट है ये मेरा, तो ये ऊँट वहाँ पर जा सकता है, उस जगह पर भी जा सकता है, लेकिन वहाँ पर अगर मैं उसके हाथी के पास रख देता हूँ इसको लास्ट में, तो वो हाथी से मेरे ऊँट को मार देगा। तो अभी एक्चुअली मेरे पास क्या सही चाल चलने को है, वो इस प्यादे को एक कदम आगे ज़रूर बढ़ा सकता हूँ, और वो जगह मेरी, मैं अगर वो मेरे प्यादे को मारता है, देखिए यहाँ पर तो हाथी जो है मेरा, ये पीछे वाला, घोड़ा, ये घोड़े से मैं इसके प्यादे को मार दूंगा। तो उसने वैसा ही किया, घोड़े से इसके प्यादे को मार लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस पोजीशन पे, कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। देखिए ऊँट को आगे ले आया है और ऊँट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अपने इस ऊँट को जो है मैं हाथी को आगे बढ़ा दिया है मैंने, जिससे कि उसका ऊँट जो है, अगर वो ऊँट उस पोजीशन से हटा तो मैं हाथी को वहाँ पर मार दूंगा। अब उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया है, अब उसका घोड़ा जो है वो मेरे इस ऊँट को मारने के लिए तैयार बैठा है। तो अब देख मैं मुझे पीछे लेना ही पड़ेगा, पीछे लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं मेरे पास। तो मैंने अपने ऊँट को पीछे ले लिया है, और अब देखिए अब यहाँ पर वो क्या चाल चलता है उसके हिसाब से हम अपना अगला कदम डिसाइड करेंगे। इस तरफ दूसरी तरफ देखिए वो उसने अपना दूसरा घोड़ा भी बाहर निकाल लिया है, दूसरा घोड़ा भी वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, और घोड़ों की चाल अक्सर समझ में नहीं आती है। देखिए हाँ मैं वज़ीर को आगे निकालने का सोच तो रहा हूँ, लेकिन देखिए अभी यहाँ पर जो है अपना ये ऊँट, ये इधर प्यादे को मारेगा, लेकिन वो प्यादे को मारा तो उधर से वो ऊँट भी मारेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, यहाँ पर प्यादे को मार करके अगर आपने आपका ऊँट गवा दिया तो आप गेम ज़रूर हारोगे। इसलिए प्यादे को मारने के चक्कर में ऊँट, हाथी, घोड़े, इनको नहीं गंवाना है बिल्कुल भी। अगर आप प्यादे को गवा करके ऊँट को मार रहे हो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन आपका ऊँट मर जाए और आपका ऊँट मर जाए और सामने वाले का आप प्यादा ही मार पाओ तो गेम आपके लिए लॉस मेकिंग है। देखो दोनों घोड़ों को वो एक दूसरे के पास ला करके बड़ी ही स्ट्रेटजी के साथ गेम खेल रहा है। मैंने यहाँ पर एक अपने इसके दिमाग में कुछ ना कुछ है। देखिए अब इस घोड़े से ये मुझे टक्कर दे रहा है, मेरे जो वज़ीर के बगल वाला उसको उधर भी मार सकता है, इसको इधर भी मेरे ऊँट को मारने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली ये।
तो मुझे इस ऊँट को यहाँ से हटाना होगा। अब मैं उस प्यादे को भी नहीं मार सकता हूँ, जो प्यादा ऊँट के बगल में रखा है ऊपर सफ़ेद वाला, उसको भी मैं नहीं मार सकता हूँ यहाँ से। तो देखते हैं गाइज अब क्या इस गेम में हम कर सकते हैं। पीछे लेने के अलावा कोई ऑप्शन मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऊँट को पीछे लेना पड़ेगा। ऊँट को जैसे ही पीछे लेते हैं तो ये मुझे प्यादे को मारेगा, तो प्यादे को मारने से तो मैं वजीर से इसको इसके ऊँट को इसके घोड़े को मार ही दूंगा फिलहाल। लेकिन ऊँट को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि इस पोजीशन पर ये घोड़े से अपने ऊँट को मार सकता है। तो इसको पीछे ले लेते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं, देखिए गेम गाइज मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, 6 मिनट मेरे बचे हैं, उसका टाइम अभी 8 मिनट बचा है। तो आपको जल्दी करना होगा, अगर आपका टाइम जल्दी ख़त्म हो गया तो आप गेम में वैसे ही हार जाओगे। तो लंबा गेम है गाइज, चेस के गेम में टाइम लगता है। और देखते हैं अभी क्या होता है इस गेम में। आपको काफ़ी स्ट्रेटजीज में, जैसे मैंने प्यादे वाली स्ट्रेटजी अभी आपको बताई, देखिए जिगजैग कंडीशन में आप अपने प्यादे को आगे बढ़ाइए। एक प्यादे को आप ब्लैक पोजीशन में एक लाइन आगे रखिए, और एक लाइन एक और उसके एडजेसेंट प्यादे को पीछे रखिए, उसके एडजेसेंट प्यादे को आगे बढ़ाइए, उसके एडजेसेंट प्यादे को पीछे रखिए, ऐसे एक एक लाइन आगे बढ़ाना है आपको। ये स्ट्रेटजी बहुत काम आती है। देखिए जैसे मैंने अभी भी ये प्यादा आगे बढ़ाया, तो हालांकि इसके पीछे ऊँट है, लेकिन इसी तरीके से आपको देखना होता है कि आपने एक प्यादा आगे और एक ऊँट पीछे। अभी देखिए इसने ये अपने घोड़ों का बहुत ही स्ट्रेटजिकली यूज़ कर रहा है घोड़ों। हाँ हालांकि अब मैंने वो प्यादा आगे बढ़ाया तो ये थोड़ा डर गया और अपने घोड़े को पीछे ले गया है। तो देखते हैं अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसके घोड़े को हटाने के लिए मैंने अपने वज़ीर को आगे कर दिया है, तो अब इसे घोड़े को पीछे लेना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन इसके पास है नहीं। तो देखिए अब हालांकि इसने ऐसी पोजीशन पर रखा है कि ये मेरे वज़ीर को मार रहा है यहाँ से, तो मुझे भी वज़ीर को पीछे ही लेना होगा और कोई ऑप्शन मुझे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। हाँ एक ऑप्शन समझ में आ रहा है, मैं प्यादे को मार सकता हूँ जो लेफ्ट लेफ्ट साइड में जो 7वें नंबर पर इसका प्यादा रखा है, उस प्यादे को मैं मार सकता हूँ, लेकिन वो अभी पीछे लेने में ही फ़ायदा है। तभी मैंने पीछे ले लिया है, लेकिन ये प्यादे को आगे लिया है, तो इस प्यादे को हम यहाँ इस प्यादे से टक्कर दे सकते हैं। इस घोड़े से हम कुछ कर सकते हैं क्या अभी? इस घोड़े से हम अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल। घोड़े आपके मैच के जितने सेंटर में होंगे ना गाइस उतना ही फायदा है, क्योंकि घोड़ा बहुत सारे बॉक्सेस को एक साथ कवर कर लेता है और वो किसी को समझ में नहीं आता। गोलाई में चलता है घोड़ा, एक सर्किल सर्किल बनाता है, एक एक सिर्फ ए साइड में सिर्फ एक एक बॉक्स छोड़ते हुए दो दो बॉक्स कवर करता है। तो घोड़े को सेंटर में आप रखेंगे बोर्ड के, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए यहाँ पर गेम काफ़ी लंबा हो गया गाइस, गेम ख़त्म कर लेते हैं। तो गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने गेम को वहीं पर बंद कर दिया है। मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ कि मैं हार गया था और वो 2-3 मिनट उसके बकाए रहे थे, मेरा टाइम पूरा एग्जॉस्ट हो गया था तो मैं गेम में हार गया था गाइस। अब देखिए ये जो एप्लीकेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस एप्लीकेशन का नाम है प्लेयर स्पॉट। और प्लेयर स्पॉट जो एप्लीकेशन है आप देख सकते हैं बहुत सारे सितारे इसका ऐड भी करते हैं, भुवनेश्वर कुमार भी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो यहाँ पर आपको नीचे स्टैंडिंग पर क्लिक करके ऊपर गेम्स पर क्लिक करना है। स्टैंडिंग पर जब आप क्लिक करेंगे पहले, उसके बाद गेम्स पर क्लिक करेंगे, तब आपको नीचे यहाँ पर ये बॉटम पे चेस दिखाई देगा। तो चेस पर आपको क्लिक करना है और चेस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर टेबल्स दिखाई देती हैं। फ्री एक फी लिखा हुआ है ऊपर ऊपर 10 रुपये की, इसके अलावा 25 रुपये की है। लास्ट आप देख सकते हैं 175 रुपये 60 रुपये की टेबल्स हैं आपको यहाँ पर, 10 रुपये 25 रुपये की टेबल मिल जाती है। फ्री में भी आप खेल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर जो है, तो मैं आपको यहाँ पर 10 रुपये वाला जो गेम है वो खेल करके दिखाने वाला हूँ। अभी जो गेम हुआ वो हमने 10 रुपये वाला गेम खेला था, हम हालांकि हम 10 रुपये हार गए, कोई इशू नहीं है गाइस। छोटे से आप स्टार्ट कर सकते हैं, पहले सीखिए। और ये टोटली एक स्किल बेस्ड गेम है, तो यहाँ पर आप अच्छा अमाउंट भी अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट करके गेम खेलने, आपकी स्किल्स के ऊपर है, जितना आप अच्छा जानते हैं उतना आप खेल सकते हैं। देखिए ये गेम है गाइस, ये गेम एक बार आप दोबारा, हमने यही गेम अभी खेल करके आपको बताया। तो प्लेयर स्पॉट नाम की एप्लीकेशन है गाइस, आप डाउनलोड कर सकते हैं।